उस पे ये गाड़ी चलती है, ठीक है। ये खुद हमने डिज़ाइन करनी होती है, लाइक यहाँ पर स्टूडेंट्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इनके पास अभी जो है ना सेकंड हैंड नहीं पड़े हुए। बाकी जो वीडियोस बहुत अरसे से नहीं आ रही थी, उसकी कुछ रीज़न ये थी कि बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही थी, आपको पता है। आ जा को तू आ जा, ठीक है, तू बोल। ये क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। लाइफ अपडेट की इस वीडियो में मैं करता हूँ आपका खुश आमदीद, और जल्दी से ये करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्कूल में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग पर लग गया हमारी यूनिवर्सिटी का नाम और लोगो। यह सबसे बड़ी अपडेट आज की। तो गाइस अभी हमारी क्लासेस हो गई खत्म। मेरा दोस्त है और एक दोस्त वो आ रहा है सामने, वो लेट हो गया छुट्टियाँ, और अभी हम जा रहे हैं दूसरे कैंपस। यहाँ से हमारी क्लासेस हो गई ख़त्म, और आज हमारी वहाँ पर एक मीटिंग है वो हमने अटेंड करनी है हमारे एक क्लासमेट के साथ, ठीक है। वो मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ, और अपना आज न्यू कैंपस भी दिखाऊँगा आपको। अपने न्यू कैंपस हमारा नहीं देखा, वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी याद आपको, शायद एक ही वीडियो बनाई थी, लेकिन वो इतना भी खास नहीं थी। आज मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा जी। तो अभी हम पहुंच गए हमारे न्यू कैंपस में। ये देखें हमारा न्यू कैंपस फुली फर्निश्ड है, और ये इधर, लेकिन इसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं जो उस कैंपस में ना, जैसे कि वो हमारा सिटी सेंटर में, ये आउट ऑफ सिटी है। अभी यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है। आप लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते, जो लोग यहाँ पर मास्टर्स के स्टडी करते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पर एक ऑफिस मिलता है। जैसा कि अभी हम लड़के के ऑफिस में आए हुए हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे इस तरह के ना ऑफिस होते हैं। लाइक हर बंदे को एक ऑफिस हर बंदे को एक ऑफिस दिया होता है, जिसमें लाइक वो रह सकता है और अपनी स्टडीज़ कर सकता है, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट की रिसर्च ही होती है, रिसर्च के लिए उनको ऑफिस दिए जाते हैं चाइना में। ये बड़ा अच्छा। और एक दौर ऐसा था यार, आप लोगों को देखा होगा कि मेरे पास भी एक ऑफिस होता था, जिसमें मैं बैठ के पहले जब 2021 में मैं वीडियोस बनाता होता था, तब वो मुझे भी एक ऑफिस मिला हुआ था। और लेकिन बाद में फिर वो, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट नए आ गए थे मास्टर्स के, तो लोग ज़्यादा हो गए थे, फिर मैंने वो चाबी दे दी, क्योंकि तब मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने बाहर अपार्टमेंट ले लिया था। और तब वो मैंने ऑफिस मुझे इसीलिए मिला था कि मैं वहाँ पर बैठ के स्टडी वगैरह कर सकूँ। और वहाँ पर स्टडी करने का मुझे एक फ़ायदा ये हुआ था कि वहाँ मैं बैठ के ऊँची ऊँची चाइनीज़ पढ़ता होता था। वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई मतलब वो नहीं होता था कि रूम में मेरा रूममेट होता था वहाँ पर, मतलब ना बैठ के नहीं इतना ज़्यादा ऊँची ऊँची बोल सकता, तो मैं तो फिर रट्टे मारता होता था चाइनीज़ को उस दिनों में, और आज मुझे वही याद आ रही थी। तो ये देखें अभी ये है हमारा कैंपस का, बहुत ही अच्छा व्यू है यार। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये गाड़ी के पार्ट्स सारे पड़े हुए हैं। यहाँ से गाड़ी शुरू करें ना अगर हम, तो इसके सारे पार्ट्स जोड़ के जोड़ के जोड़ के जोड़ के हम एक ऐसी गाड़ी तैयार कर सकते हैं। इधर एक बॉडी नहीं, बाकी जो सारा इंजन शिंजन इसका सारा पड़ा हुआ है, हमारे इधर यूनिवर्सिटी की लैब है। और ये देखो गाड़ी, ये वुलिंगी है। ये गाड़ी बहुत ही कमाल की थी, लेकिन उन्होंने बनाना बंद कर दी, क्योंकि ये सस्ती थी, यानी कि 70,000 आरएमबी की थी, और ये बहुत कमाल की गाड़ी है, लेकिन अब इन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दी इस गाड़ी की। अब ये यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होती है हमारे सिटी में। वाह नाइस। और ये तो है शाओई ईवी कार है, ये टू डोर। लेट मी ओपन दिस फॉर यू। यस, अब इसके अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी 300 किलोमीटर कर जाती है वन चार्ज में। Serious. We win this competition, racing competition. Like we have to design a car and then we have to race it. And this year we win the competition, all China, all over the China. Our university win this. Yeah. So guys, हमारी यूनिवर्सिटी ने इस बार ये गाड़ी होती है ऑफ ट्रैक, और यही होती है ट्रैक वाली, यानी कि ट्रैक के ऊपर चलती है ये, और ये जो है ऑफ ट्रैक गाड़ी होती है, इसकी रेसें होती हैं पूरे चाइना की जो है ना गाड़ियों में ला के। तो इस बार 2023 में हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो फर्स्ट आई हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये 2019 में भी कोई हमारी पोजीशन आई थी, और ये देखें ये फर्स्ट पोजीशन थी 2019 में,
और ये 2017 में भी कोई आई होगी, ये देखता हूँ दिखाता हूँ। ये देखो सेकंड पोजीशन आई थी हमारी, ठीक है। ये देखिए ये होती है ट्रैक का, जैसे कैसे ट्रैक होता है उस पर ये गाड़ी चलती है, ठीक है। ये खुद हमने डिज़ाइन करनी होती है, लाइक यहाँ पर स्टूडेंट्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और ये होती है ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक में मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि वो गड्ढे शड्ढे ये वो, ठीक है। उसमें भी ये देखिए हमारी तीसरी पोजीशन आई हुई है 2015 में, 2016 में हमारी आई हुई है थर्ड पोजीशन, ये देखें इस गाड़ी के साथ। तो ये गाड़ियाँ फिर इधर रख देते हैं, और हर साल मैं आपको इधर वर्कशॉप दिखाता हूँ, हर साल फिर इधर गाड़ियाँ बनती हैं। ये देखिए अभी ये गाड़ी रेडी हो रही है, अब ये भी कोई कंपटीशन के लिए होती हैं। और ये हमारे स्कूल में ये मेजर जो है ना ऑटोमेशन का, वो बेस्ट है, लेकिन उसके लिए अगर आपको चाइनीज़ आती है तो ये दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। बाकी ये गाड़ियाँ भी हमारे इधर पड़ी हुई हैं, ये आई हुई हैं कुछ ना कुछ इसकी टेस्टिंग के लिए आती हैं यहाँ पर गाड़ियाँ हमारी। और ये करोला GLI खड़ी है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी आती हैं। और चाइनीज़ ये पता क्या करते हैं, ये देखिए अभी सारी यहाँ पर ना इंटरनेशनल ब्रांड खड़े हुए हैं, ये फिर इनको कॉपी करेंगे, वो चाइनीज़ ब्रांड है, फिर उसको देखेंगे कि इसमें क्या डालना है क्या निकालना है। अभी खाने के लिए हमारे पास आ गया खाना, हाँ हाँ शीशे, बिकॉज़ यू ऑलवेज थिंक दिस इज टाइम फॉर लंच। ओह माय गॉड, अभी हमारा खाना हो गया है ख़त्म, और अभी हम निकल रहे हैं वापस हमारे कैंपस के लिए। और ये लौंडा भी सिगरेट पिएगा, बताता हूँ तेरी गर्लफ्रेंड को, तेरी गर्लफ्रेंड तेरा बाप भी देखेगा ना, बताता हूँ दिखाता हूँ तेरी गर्लफ्रेंड को, ये यहाँ पे बीड़ी फूकता है। हाँ कोको मसाला की उधर आला कोको को स्मेल आ गई है, अब दही की पागल हो गई हुई है कब को, ये भी कहेगी फिर वीडियो के दूध मखना दी पड़ी। अच्छा इधर आ कोको, और नखरा भी ब्रो बस ये खाना नहीं है। हाँ हाँ कोको कोको ना कोको नहीं सुन कोको, हाँ शर्मा बहुत शौक है इसको तो ही खाने का, अभी अभी मैंने वैसे ही रखा हुआ था, अभी खोला भी नहीं है, इसकी स्मेल बाहर भी नहीं है, इसने देखी है इधर आके। चल खा ले खा ले। तो अभी हम लोग चलते हैं कटिंग करवाते हैं, और पहले मुंह धो लेते हैं क्योंकि वापस आके मैं थोड़ा सो गया था, और शाम को क्लास भी है एक देने वाली लेने वाली नहीं है, एक लेने देने में बड़े फंसे हुए हैं। तो अभी चले पहले मुंह धो के ना कटिंग करवाते हैं, थोड़ी सी फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद एक तो काम करने वाले हैं वो करेंगे, यही आजकल की रूटीन चल रही है बस, ऐसे छोटे छोटे कामों में लाइफ बिजी है। Let's go guys. यार अभी कटिंग मैंने करवा ली है, और आपको मेरी हालत लग ही रही होगी कितनी बुरी हालत में व्लॉगिंग कर रहा है ये व्लॉगर, और इट डजंट मैटर ब्रो, अब लाइफ में चलिए कि ये कुछ रहा है तो यही कुछ ही दिखाना है ना। अच्छा अभी नेक्स्ट हमने कुछ ये करना है कि अभी मैं जा रहा हूँ एक लैपटॉप मार्केट में, एक लैपटॉप देखना है विंडो लैपटॉप, मेरे पास ऑलरेडी मैकबुक है लेकिन यार वो मुझे ना वो उसमें कुछ क्रैक फाइल्स है ना, क्रैक सॉफ्टवेयर हैं वो चल नहीं रहे, और उसमें पेड़ है भी नहीं, वो सॉफ्टवेयर को जिस तरह है कि वो है ही नहीं पेड़, तो उस वजह से मैं फिर अभी सोच रहा हूँ कि एक और लैपटॉप ले लेता हूँ जिसके ना जिसमें मतलब कि विंडो होगी और उसमें जो भी क्रैक सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारे मेजर में ना कुछ हमें सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो लाजमन सीखने पड़ते हैं, जैसा कि 3D है, उसके बाद सॉलिड वर्क है, उसके बाद और कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे कोई लैपटॉप चाहिए हल्का फुल्का सा, कोई i5 देख लेते हैं, अभी मैंने देखना है i7 या i5 कौन सा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले एक विंडो लैपटॉप था वो मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने सेल कर दिया था, वो मैंने पिन पैक लिया था और वो मेरा बड़ा लॉस में गया था, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना एक नया लैपटॉप जो जिससे ना ये मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी मैं इधर आ गया हूँ, ये देखो अभी आजकल हमारी सिटी में थोड़ा सा वेदर भी ख़राब है, ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा फॉग फॉग सी है, ये अभी पहुंच गए हैं इधर, ये हमारे इधर सिटी में है एक छोटी सी मार्केट, और अभी हम HP का देखेंगे, यहाँ पर सारे ब्रांड है, एप्पल इनोवो ये वो,
मैंने सुना कि एच पी का जो लैपटॉप है ना ये थोड़ा सही चलता है। दोस्त ने मुझे ये रिकमेंड किया, पहले मैंने ये इनका लिया था यार, इसने बहुत रेट किया लेना होगा, फिर ठीक है मैंने फिर वो सेल ही कर दिया, इतना तंग आ गया मैंने सेल ही कर दिया था। अब एच पी का देखते हैं इधर, एच पी की ये शॉप ही है कॉल भी है। इनके पास अभी जो है ना सेकेंड हैंड नहीं पड़े हुए, इधर सारे न्यू ही पड़े हैं, ये वो आप देखे हैं लैपटॉप, और ये सारे महंगे हैं, ये हमारी रेंज से बाहर है। ये भी हुआ की स्क्रीन और ये भी हुआ की। तो अभी यहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि एक और मार्केट है वहाँ जाऊँ, वहाँ पे मुझे वो मिल सकता है कुछ सेकेंड है, अभी वहाँ चलते हैं देखते हैं। और एक मेरा दोस्त भी है, उसको भी मैंने बोला हुआ था, वो मैकबुक का काम करता है, लेकिन उसको मैंने बोला वो मुझे विंडो ढूंढ के दे, उसने भी एक दो ढूंढे हुए, उसके पास भी जाके देखते हैं। चले अभी चलते हैं। और यार ये मेरी बाइक भी नहीं ले ली थी, आप लोगों को शायद दिखाई है नहीं, ये बाइक भी मैंने चेंज कर ली थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, फ़ोन भी मैंने चेंज कर लिया है, बाइक भी चेंज कर ली है, अब पता नहीं खुद को भी लगता थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यार अभी ये एक HP का लैपटॉप i5 है, अब पता नहीं इसका क्या है सिस्टम, पता नहीं कैसा चलता है, क्योंकि मुझे इनका कोई आइडिया नहीं विंडो सिस्टम का, समझ नहीं आ रही इसको लूँ या ना। और अभी वेट कर रहा, मैं सोच रहा था कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो एक्सपर्ट हो इनका, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई है नहीं जी। तो कई सब्जी में वापस आ गया था घर पे, और वो लैपटॉप से वाले ही जो ना बात से नहीं लगी। और अभी कुछ सीन इस तरह का है कि घर में हमारे पड़े हुए हैं जी, ओए यो नो मैन, कोसा था ये आलू वाला मसाला, लेकिन ये तो फ्री थोड़ा पड़ा है, गलत जगह पे रख दिया यार, जो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई। मैं चाह रहा था कि इसके पराठे बना के खा लूँगा, क्योंकि अभी कुकिंग का कोई मूड नहीं है, लेकिन अभी शायद फिर से दोबारा वेट करना होगा इसको नॉर्मल होने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको ना इसमें डालता हूँ ओवन में और गर्म करता हूँ 1.5 मिनट के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, देखते हैं इसका क्या बनता है। ये हो गया, इसको देखते हैं, वाह तो हो गया, नॉर्मल हो गया। मैं कहता हूँ इसको 30 सेकंड और लगाएं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी इसमें बर्फ है, चलो 30 सेकंड करिए इसको और डाल, बाकी आटा शाटा रख रेडी है हमारा, और इधर मैंने चाय रख दी है। यार ये रात में फुल अंधेरा हुआ हुआ, रात का टाइम है और हमारे पराठे बन रहे हैं, यार क्या बात है, वाव वाव। लो जी अभी हमारे पराठे और चाय और साथ में सजा जानी रेडी है, अभी हम इसको खा के आपसे बाद में मिलते हैं जी। तो अभी हमने खाना शाना खा लिया है, और इसी के साथ ही करते हैं व्लॉग को एंड, और बाकी जो वीडियोस बहुत अरसे से नहीं आ रही थी उसकी कुछ रीज़न ये थी कि बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही थी, आपको पता है। आ जा कोको, तू आ जा, ठीक है तू बोल, ये क्या बात हुई है, हाँ शिकम बात हुई, वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर कोको, ओके ना लेट्स डू इट, कोको अच्छा अच्छा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ओके बैठ जा, ओके ये कौन है कोको, ये कौन है, ओ अच्छा, तो वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, आपको बता रहा था कि थोड़ी लाइफ बिजी चल रही थी, तो अब भी इंशाल्लाह मेरी वो वियतनाम वाली वीडियो इसी नहीं मतलब कम्प्लीटली एडिट हुई, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि कर नहीं पा रहा, तो अभी बैकअप, सी यू गाइस सोन। और स्कॉलरशिप्स के ऊपर हमने वीडियो बनानी है एक चाइनीज़ पार्टनर के साथ, ठीक है वो आपको एक्सप्लेन करेगा करेगी कि चाइना में स्कॉलरशिप, अच्छा ठीक है स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है तो वो वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। बाकी अभी कोको के खेलने का टाइम हो गया, हम इसको खिलाते हैं थोड़ा सा, और इधर आ इधर आ इधर इधर आ, और इसके साथ ही करते हैं वीडियो को एंड, ओके अभी ये नहीं सुनने देगी कुछ, चलो ठीक ओके ये लो, चलो ऊपर।
आप पकड़ लिया।